कोई है जो हम सबको मार देना चाहती है। हाँ छोड़ मेरा, मैं जाके अब्बा को सब कुछ बता दूंगी। ओए अन्ना गुस्सा, तुझे अपने कदमों की बांध ही ना बनाया ना, तो मेरा नाम ही अदील नहीं। मैंने ये तावीज हर हाल में आज बांधना था। क्या ढूंढ रही हो? मेरी मेडिसिन थी, हाँ पता नहीं मिल नहीं रही। सच कह रही हो? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैंने पहले कभी झूठ बोला आपसे? नहीं, तुम मुझसे सच बोलती हो, लेकिन शायद अब तुम मुझसे झूठ बोलने लग गई हो। ये आप क्या कह रहे हैं रोहिल, मैं और झूठ? तो क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था कि तुम अपनी खाला से मिलने गई थी, लेकिन तुम किसी और से मिलने चली गई? रोहिल मैं खाला से ही मिलने गई थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। तो तुम किसी फ्रॉड आलम से मिलने चली गई? रोहिल शासा फ्रॉड नहीं है, वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, आप उनसे एक बार मिल तो लें। मुझे उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है और आइंदा तुम भी उनसे नहीं मिलोगे। देखो सना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी किसी फ्रॉड आलम से जाके मिले। रोहिल ये हमारे घर के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ बहुत कुछ। मैंने कहा ना कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे तो नहीं मिलने जाओगे। लड़की जाओ जाकर मौलवी साहब के और मेरे कपड़े रखे, उन्हें इस्त्री करो। अरे रुको बेटा, थोड़ी देर हमारे पास बैठो, जरा हम भी दो बातें कर ले तुमसे। उसने बैठकर क्या करना है, वैसे भी तो वो सारा दिन बैठी ही रहती है। ओ मम्मी इतना झूठ भी ना बोला कर। और तू चुप कर, बैठ बेटा बैठ बैठ। तू कुछ कहना चाह रही है? वो मेरी दोस्त है ना सायमा। सायमा वो राव अब्दुल शकूर की बेटी? जी जी। हाँ तो क्या हुआ उसे? वो उसकी शादी है, सब दोस्तें जा रही हैं, क्या मैं भी जा सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है गैरों की शादी में सज धज के जाने की। बाबा मैं सादगी में जाऊंगी। उनसे क्या पूछ रही हो, मैंने कह दिया है ना कोई जरूरत नहीं है ना महरमों में जाने की। लेकिन बाबा समीना ठीक कह रही है बेटा, पता नहीं वहां कितने गैर मर्द होंगे, और वैसे भी यूं सज धज के और बन सवर के हमारे खानदान की औरतें कहीं नहीं जाती। बाबा साहिबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वहां मर्दों और औरतों का अलग अलग इंतजाम है। ओ भाजी वो महल है जना। हाँ फिर ठीक है,
लेकिन वक्त पे जाना और वक्त से वापस आ जाना। और सुनो बेटा, कोई मोटी सी चादर अपने साथ लेकर जाना और अपने आप को ढांप के रखना। जी। समीना बेगम, ये बचपन की यादें होती हैं जो बुढ़ापे तक साथ चलती है। जा लेने दो, कोई बात नहीं, बच्ची है अपनी। और जाने से पहले कपड़े इस्त्री कर दें। शहरयार, 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 पता नहीं कहाँ चला गया। सना, कैसी हो बेटा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी मामा, अब ठीक। हुआ क्या था? अकेली थी ना, तो डर गई। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं डरने लग गई? मैं तो कहती हूं कि तुम अपने लिए भी एक तावीज बनवा लो, अपने उस आमिल बाबा से। मामा, मैं जो भी कर रही हूं इस घर की भलाई के लिए कर रही हूं। पता नहीं आप लोग मुझ पे यकीन क्यों नहीं करे। मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आता इस घर में जो तावीज गंडों से ठीक हो। मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम अपने शौहर पर तवज्जो दो। वो बहुत गुस्से में था और नाराज भी है। मामा, उनकी फिक्र आप मत करें, मैं उन्हें मना लूंगी। जानती हूं मैं, पूरी तरह काबू किया हुआ तुमने उसे, वरना बंजर जमीन की इतनी रखवाली कौन करता है। शहरयार नजर नहीं आ रहा, कहीं चला गया क्या? वो फायजा और शमा को घर छोड़ने गया है। फायजा की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने ही उसे मजबूर करके भेजा। ये हो क्या रहा है? मुझे ये तावीज शहरयार को पहनाना है, कहीं देर ना हो जाए। आप मुझसे नाराज हैं? देखो फायजा, नाराज उससे हुआ जाता है जिससे कोई रिश्ता हो। चाची, मेरी अम्मी के झुमके। तेरी माँ तेरे बाप के लिए इज्जत तक तो छोड़ के नहीं गई, इतने महंगे झुमके छोड़ के जाएगी? क्या है राज? आजो आजो आजो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चलो चलो चलो, ध्यान से ध्यान से, देख के बेटा संभाल के, आराम से आराम से आराम से। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अरे बेटा ऐसे कैसे, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं नहीं खाला, तकल्लुफ की कोई जरूरत। अरे नहीं मेरा बेटा, चलो बैठो, मैं जूस लेकर आती हूँ, बैठो बैठो।
आप मुझसे नाराज हैं? मैं भला आपसे नाराज क्यों होगा? अब अनजान भी मत बने। देखो फायजा, नाराज उससे हुआ जाता है जिससे कोई रिश्ता हो, और मुझे नहीं लगता कि मेरा और तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता। आप इतने कठोर क्यों हैं? जरा भी तरस नहीं आता आपको मुझ पर? मैं खाला, खाला क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? बेटा मैं ठीक हूँ। खाला आप तो ठीक है ना? बेटा मैं ठीक हूँ। तुम बैठो बैठो। मैं अभी सफा कर देती हूँ। जाओ जाओ, शाबाश, बैठो। Oh, my God.
कभी नहीं होने दूंगी। शहरयार की शादी में कभी नहीं होने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। क्या हुआ सदा? रोहिल, यहाँ पे कोई था? कोई नहीं है यहाँ पे। तुमने जरूर कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। पानी दो, पानी पी लो। नहीं, पानी नहीं पीना। अच्छा सो जाओ, कोई नहीं। Thank you.
क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। अच्छा तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी? दिखाओ मुझे, दिखाओ। अच्छा जी, तो ये छुपाया जा रहा था मुझसे? कहां से आई ये झुमके? चाची ये मेरी अम्मी के झुमके हैं। झूठी माँ की झूठी बेटी, तेरी माँ तेरे बाप के लिए इज्जत तक तो छोड़ के नहीं गई, इतने महंगे झुमके छोड़ के जाएगी? सब पता है मुझे, जरूर ये मेरे पैसों से चोरी की है या फिर किसी यार ने। बस चाची, एक लफ्ज और मत बोलिएगा। मैं आपकी सारी बातें सुन सकती हूँ, लेकिन आप मेरे किरदार पर उंगली उठाएं कि मैं हर किसी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वाह भाई, चूटी के भी पर निकलने लगे। मुझे पता है तेरी जुबान कैसे रोकनी है, अभी तुझे बताती हूँ। चाची, छोड़े मुझे, छोड़े। समीना, छोड़ो इसे। मैं कह रहा हूँ छोड़ो इसे। आपको नहीं पता, पता नहीं ये कहां से इतने महंगे झुमके चुरा के लेकर आई है। चुरा कर नहीं लाई, मैंने दिए हैं इसे ये झुमके। अच्छा तो इतने महंगे झुमके आपने दिए? आपने आज तक मुझे गुलाब का फूल नहीं दिया और अपनी भतीजी को इतने महंगे झुमके लेके दिए। मैंने नहीं लेकर दिए, ये अमानत थे आरजू की मेरे पास। इसकी माँ की आखिरी निशानी थी जो भाई साहब ने मेरे सुपुर्द की। ये झुमके आरजू के हैं और आरजू के ही रहेंगे। और एक बात कान खोल के सुन लो, इन झुमकों को आरजू से कोई नहीं छीन सकता। आओ बेटा। शहरयार नजर नहीं आ रहा सुबह से। उसे मैंने भेजा। कहाँ? अपने गांव। किसी ने जादू किया हुआ है, ये उसी के जिन थे जो तेरा काम नहीं होने दे रहे। यार सामने देख, क्या क्या यार, वो यार वो घर के नीचे आ गए यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया। नहीं मामा, मैं बस चाय पीऊंगी। किसे ढूंढ रही हो? नहीं वो शहरयार नजर नहीं आ रहा सुबह से, अपने कमरे में भी नहीं है। कहाँ चला गया? उसे मैंने भेजा। कहाँ? अपने गांव। हमारी जमीनों में गवर्नमेंट ने एक सड़क का टेंडर पास किया, तो वहां पे किसी रिस्पॉन्सिबल बंदे का होना बहुत जरूरी था। मैं यहाँ पे बिजी था, तो शहरयार ने खुद ही कहा कि वो चला जाता है, और वैसे भी उसे चेंज चाहिए था। उसने मुझे बताया भी नहीं, मिले बिना चला गया। नहीं वो मिलना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि तुम रेस्ट कर रही हो, फोन पे बात कर लेना, आ जाएगा एक डेढ़ हफ्ते में। एक डेढ़ हफ्ता? अब मैं शरियार को ये तावीज़ कैसे पहनाऊंगी? और इसी वक्त उसकी शादी भी होनी चाहिए, उसे वापस बुलाना होगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। भाभी, ये शाहिदा की बहन है, अब से ये यही काम करेगी। बाबा जी, बाबा जी आपका दिया हुआ तावीज़ मैं शहरयार को जूस में खोल के पिला ही रही थी कि किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं तो बहुत डर गई थी। हमारे होते हुए
डर किस बात का? लेकिन लेकिन पीर साहब, ये सब क्या था? किसने मुझे धक्का दिया? मुअक्कल जिन। जिन क्या मतलब? किसी ने जादू किया हुआ है। ये उसी के जिन थे जो तेरा काम नहीं होने दे रहे। लेकिन लेकिन पीर बाबा, मुझ पे कौन जादू करेगा? तुझ पर नहीं, उस लड़के शहरियार पर। तूने खुद ही कहा था उसकी भाभी तावीज करवाती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मेरी तो मत मारी गई थी। लेकिन लेकिन पीर साहब, अब मैं क्या करूं? तू क्या कर सकती है? जो करना है हम करेंगे। चल आंखें बंद कर और दुआ के लिए हाथ उठा। ये ले, उसके घर में जाकर दबा दे। मैं भी देखता हूं कौन सी ताकत रोकती है तेरी बच्ची की शादी होने से। बहुत शुक्रिया पीर साहब, मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे इजाजत है? जा चली जा। हक हक हक। तेरा भी जवाब नहीं शहरयार। अचानक ही गांव का प्लान कर लिया। एटलीस्ट बंदा घंटे दो घंटे पहले का मार्जिन तो देता है। जी जी, आप तो जैसे बहुत बिजी चल रहे हैं। एक हफ्ता पहले आपसे अपॉइंटमेंट लेता कि सर हमने गांव जाना है ना। अच्छा यार, अच्छा, ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी पापा का ऑफिस ज्वाइन करने का प्लान है मेरा। शुक्र है आपने भी कुछ काम करने का सोचा, वरना शहर की सारी लड़कियों का फ्यूचर ही दांव पे लगा रहता। ओ चल यार चल, मुझे सब पता है, तो कितना शरीफ है। यार सामने देख, क्या है यार वो? यार वो घर के नीचे आ गए। यार कौन नीचे आ गई है खुरम? किसकी बात? क्या है, कौन है, कहाँ है? यार शहरयार, मैं सच कह रहा हूँ यार, वो बिल्कुल यही थी। सच कह रहा है तो कोई नजर तो आए ना, दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। यार वो बिल्कुल यहाँ गाड़ी के सामने थी यार। बैठ। पागल हो गया। अब क्या हुआ है यार? मुझे ऐसा लगा जैसे पिछली सीट पर खोया कर बैठा है। कौन है, कहाँ है, दिखा मुझे कहाँ है। तू तो पागल तो नहीं हो गया? तूने कोई हॉरर मूवी तो नहीं देखी रात को? मुझे डरा रहा है तू फजूल में। यार कैसी बातें कर रहा है यार। चिल कर यार। Really excited यार, इतने अच्छे बात गाँव जा रहे हैं। अच्छा ऐसा कर कि यहाँ पास में शेख साहब का ऑफिस है, पापा ने मुझे कुछ कहा था काम है, तो मुझे वहाँ उतार दो और तू हवेली चले जाना, मैं खुद ही आ जाऊँगा। ओके बॉस, जैसे आप कहें। There you go, sir. Your destiny. पर हाँ, ख्याल से गाड़ी चलाइयो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। भैया कब तक पहुंच जाएगा दिए हुए पते पर?
जी इंशाल्लाह कल सुबह तक मिल जाएगा। ध्यान से, बहुत अर्जेंट है। बेफिक्र आप। फाइजा, अरे ओ फाइजा, कहाँ हो भाई? जी अम्मी, आ गई आप? हाँ, देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ। क्या कहा था? यही कि सना ये सब कुछ करवा रही है। अरे पीर बाबा जी, अपना अमल करके बताया कि उस दिन गिलास का टूटना और तावीज का जाया होना वो सब कुछ सना के उन तावीजों की वजह से हुआ है। पता था मुझे, पता था वही कर रही है सब। पर अब हम क्या करें कि सारा तमाशा चलता रहे और हम ये तमाशा होते हुए देखते रहे। तो ये आपके पीर बाबा किस मर्ज की दवा है आखिर? अरे खबरदार, खबरदार जो पीर बाबा को कुछ बुरा भला कहा तो तौबा तौबा। आपको पता है शहरयार गांव चला गया है? गांव चला गया क्यों? मुझे नहीं पता। चलो ये भी एक तरह से अच्छा ही हुआ, उसके जाते ही हम आपा की तरफ जाएंगे और अंदर जाने से पहले तावीज को बाहर लॉन में दबा देंगे। फिर मैं तुम्हारी शादी की बात करूंगी उनसे। सच अम्मा? और देखती हूँ कैसे नहीं मानती, देख लेना तू। अच्छा सुन, एक गिलास पानी तो पिला दे। मैं लाती हूँ। Thank you.
आपको लगी तो नहीं? पहले चोट लगाते हैं और फिर पूछते हैं लगी तो नहीं। लड़की इतनी खूबसूरत थी क्या जो तू उसी के ख्यालों में खो गया? नहीं बाबा, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी, मुझसे गलती हुई है। शहरयार, मैंने तुम्हारे लिए वो तावीज भेजा है, कल तक तुम्हें मिल जाएगा, तुम पहन लेना जरूर। सना बेटा, हम लोग जा रहे थे कि शहरयार की शादी फायजा से कर दें। ओए आरजू, तू यहां क्या कर रही है? कौन हो तुम?